आप साल में कितने कपड़े खरीदते हैं? Yeah, I know, no one wants to say. पर अगर डेटा देखा जाए then it's a lot. 3.5 million जितना lot. इतने लोगों ने कपड़े खरीदे थे बस 4 दिन की सेल में मिंत्रा से. We love buying clothes. पर आपने कभी सोचा क्या होगा अगर आप और हम सब एक साल के लिए कपड़े खरीदना एकदम ही बंद कर दें? इकोनॉमी का तो पता नहीं, पर एक सरप्राइजिंग चीज होती है यहाँ हमारे ओशंस में. तो क्या होगा हमारे ओशंस को और क्यों हमें कपड़े ज्यादा नहीं खरीदने चाहिए, चलिए पता करते हैं. So stupid. Shopping has never been easier. बस buy now पे क्लिक करिए और जैसे ही मैसेज आ जाए your order has been shipped, उसके बाद तो हर doorbell अपने order की लगती है. पैकेट खोलने की तो अलग ही खुशी होती है, हमारी खुशी डबल, जेफ बेजोस की ट्रिपल. हम चाहे भी तो नहीं रोक सकते अपने आप को नए कपड़े खरीदने से, और उसके ऊपर से इतने ज्यादा सस्ते हो गए आजकल कपड़े. So we're like forever 21 का ये टॉप इस प्राइस पे, add to cart. पर रुकिए, इससे पहले आप ऑर्डर कन्फर्म करें, आपने कभी सोचा है कि क्यों हैं ये कपड़े इतने सस्ते? आई मीन डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एड्स, उसके बाद भी ये टॉप बस 399 में? कैसे बेच रहे हैं ये लोग, कैसे? अगर आप कुछ आर्टिकल्स पढ़ें तो वहाँ पे एक पॉइंट मेंशन होता है चीप लेबर का डेवलपिंग कंट्रीज में, पर एक पॉइंट जो कहीं भी मेंशन नहीं होता वो है यहाँ. ये टॉप जो आपने अभी ऑर्डर किया है उसका मटेरियल, इस मटेरियल और हमारे ओशंस का बहुत ही अजीब रिश्ता है. क्या? देखिए, आप अभी जाकर अगर अपने सारे कपड़े निकाल के लेके आए अलमारी में से और उनके टैग को ध्यान से पढ़ें, कॉटन, शिफॉन, सिल्क, जॉर्जेट, ये सब बहुत कम मिलेंगे आपको. सबसे ज्यादा मिलेगा एक दूसरा मटेरियल, गेस कर सकते हैं ना? पी से स्टार्ट होता है और 9-letter word है, पॉलिएस्टर. पॉलिएस्टर इज स्ट्रॉन्ग, पॉलिएस्टर इज फ्लेक्सिबल, पॉलिएस्टर इज वाटर रेजिस्टेंट एंड पॉलिएस्टर इज चीप. इसीलिए दुनिया में जितने भी कपड़े बनते हैं उनमें से 60% जो कपड़ों का फैब्रिक होता है फास्ट फैशन में वो पॉलिएस्टर या फिर पॉलिएस्टर प्लस किसी और सिंथेटिक फाइबर का ब्लेंड ही होता है. ये है कॉटन का परसेंटेज और ये पॉलिएस्टर का. तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कपड़े में, प्रॉब्लम है एक्चुअली आपके खाने में. हाँ, वो मछली जो है आपकी प्लेट में वो मछली नहीं, प्लास्टिक है. जब से पॉलिएस्टर इंक्रीज हुआ है कपड़ों में तब से प्लास्टिक इंक्रीज हुआ है हमारे खाने में. हाँ, मैं बकवास नहीं कर रही, सच में. कैसे? लेट मी एक्सप्लेन. ये है फाइटोप्लांकटन, ओशंस में पाया जाने वाला एक प्राणी. पर ये ग्रीन ग्लोइंग चीज जो आपको इसकी बॉडी में दिख रही है वो है प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक. ओशन में इस फाइटोप्लांकटन को खाता है जूप्लांकटन. जूप्लांकटन को छोटी मछली, छोटी मछली को बड़ी मछली, बड़ी मछली को हम, और हमारे पेट में घुस जाता है ये माइक्रोप्लास्टिक. पर ओशन में पहुंचा कैसे ये माइक्रोप्लास्टिक? आंसर तो आपको पता ही है, हमारा दोस्त पॉलिएस्टर. एक्चुअली जब हम लोग कपड़े साफ करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि उनके ऊपर ऐसे रेशे टाइप निकले रहते हैं. कॉटन के कपड़ों में भी होता है, हर कपड़े में होता है, लिंट बोलते हैं उसको. पर कॉटन नेचुरल होता है, इट्स बायोडिग्रेडेबल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन पॉलिएस्टर वो सिंथेटिक होता है. पॉलिएस्टर एक्चुअली में प्लास्टिक ही होता है, तो उसका जो लिंट निकलता है दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्लास्टिक जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है. तो जब हम लोग कपड़े साफ करते हैं तो ये ड्रेन में चला जाता है सबसे पहले, फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, के बाद इवेंचुअली ओशंस में चला जाता है. 35% ऑफ द प्लास्टिक जो ओशन में पाया जाता है वो एक्चुअली टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि हमारे कपड़ों के लिंट से ही आता है. और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अराउंड द मिडल ऑफ द सेंचुरी हमारे ओशंस में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा. चाइना में जहाँ सबसे ज्यादा कपड़े बनते हैं वहाँ एक सेइंग है कि अगर आपको जानना है कि नेक्स्ट सीजन के फैशन का कलर क्या होने वाला है तो अभी आकर चाइना के रिवर्स का कलर देख लो. एविएशन प्लस शिपिंग इंडस्ट्री कम्बाइंड से भी ज्यादा पॉल्यूशन करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और इसके पीछे भी एक रीजन है. देखिए, ये लोग इतने सस्ते टॉप्स बेच रहे हैं कंपनी वाले, अगर इनको प्रॉफिट कमाना है तो इनको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टॉप्स और बहुत ज्यादा कपड़े बेचने होंगे तभी ये प्रॉफिट कमा पाएंगे. इसलिए ये लोग क्या करते हैं, हर सीजन में कपड़े बदल देते हैं, फॉल फैशन, विंटर फैशन, जो भी इनका, ताकि लोग और कपड़े खरीदें. जरूरत नहीं है लोगों को कपड़े खरीदने की, लेकिन ये सेल लाएंगे, हमेशा ट्रेंड्स चेंज करेंगे, इन्फ्लुएंसर्स यूज करेंगे कि हमको लगे कि अरे हमें जरूरत है कपड़े खरीदने की, और ये ज्यादा कपड़े बेच पाए तभी इन्हें प्रॉफिट हो पाएगा. और इसीलिए और लोग कपड़े खरीदते जाते हैं एड्स वैड्स देखकर, जिससे ओशन में प्लास्टिक और बढ़ता जाता है. तो सोल्यूशन क्या है? कॉटन के कपड़े खरीद लें पॉलिएस्टर छोड़ के? नहीं, आप वो भी नहीं कर सकते यार, क्योंकि पता है आपको एक कॉटन स्वेटशर्ट जो होती है उसको बनाने में कितने लीटर पानी लगता है? 2700 लीटर. हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप नेट पे जाके सर्च कर लीजिए, इतना ज्यादा पानी लगता है एक कपड़ा बनाने में कॉटन का. तो कॉटन तो खरीद नहीं सकते, पॉलिएस्टर वैसे नहीं खरीद सकते. आप ऐसा करिए, कोई ज्यादा कपड़े मत खरीदिए. इसलिए मुझे वीडियो बनानी थी, क्योंकि ये रियल लाइफ है, वॉली मूवी नहीं,
कि हम लोग दूसरे प्लैनेट में चले जाएं अपने प्लैनेट में सारा कचरा घुसा के। आई थिंक एलोन मस्क को ये बात पता चल गया है, इसीलिए वो मार्स पे इतने घर बना रहा है, उसको पता है अर्थ पे बस कचरा रहने वाला है। नहीं यार, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, प्लीज़ गाइस, जब आपको ज़रूरत हो ना तभी आप, बहुत ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत हो, आपके सारे कपड़े फट गए हैं तभी आप नया कपड़ा खरीदिए। ऑलराइट गाइस, तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर देखनी है आपको मेरी कोई और भी वीडियो तो क्लिक करिए इधर, बाय।